नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का सेम ही रहेगा। मान लीजिए, देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फरवरी 2025 में आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। CBT 1 एग्ज़ाम में GK, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए तो उनका नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं और आपका एक नंबर और कट जाएगा। तो इसीलिए आपको वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आप 100% श्योर हों कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, सटीक हो रहा है मेरा। यदि मान लीजिए आपका पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा, फिर तो आप तुक्के से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं होना, तुक्के से हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। CBT 1 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा ये, यानी कि 1.5 घंटे का, और इसमें GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इनका पोर्शन अलग अलग रहता है। GK सबसे ज़्यादा नंबर की आती है 40 की, और ये 30 और ये 30, ऐसे करके 100 मार्क्स का ही होता है। CBT 1 एग्ज़ाम सबके लिए ही एक जैसा रहेगा, सारी पोस्ट के लिए। उसके बाद इसमें 15x25 जो टोटल वैकेंसी है, मान लीजिए 8000 वैकेंसी हैं, तो 1,20,000 बच्चों का इसमें सेलेक्ट किया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। फिर होगा आपका CBT 2 एग्ज़ाम। CBT 2 एग्ज़ाम में भी सेम GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यही 3 पोर्शन आते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये 120 नंबर का रहता है। इसमें भी आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए थे, यहाँ पे 90 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए है, और यहाँ पर लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा जाके। GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का पोर्शन GK 50 नंबर की, और ये 35 की, और मैथ और रीजनिंग भी 35 की। तो आप देख सकते हैं दोनों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो लगभग दोनों का सेम ही रहेगा, बस हार्डनेस बढ़ जाएगी। ये थोड़ा इजी एग्ज़ाम मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड एग्ज़ाम मान सकते हैं। इसमें दोस्तों जिन जिन का हर एक उसके लिए लेवल के लिए मेरिट अलग अलग चली जाएगी। मान लीजिए 120 में से आपके आ गए 108 नंबर, और 108 मेरिट से नीचे सारी पोस्ट के लिए मेरिट रही है, तो आपका सारी पोस्ट के लिए क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। अब आपका सिलेक्शन किस में होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका सिलेक्शन कौन सी पोस्ट में होगा। मान लीजिए आपने सबसे ऊपर CCCTS रखा है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, तो इसमें तो दोस्तों कुछ होना ही नहीं है, ना इसमें साइको होगा और ना इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपको CCTS के अलावा जो भी टेस्ट, जैसे टाइपिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा आपको, और साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मुझे नहीं जाना साइको देने के लिए, तो स्टेशन मास्टर से तो आप बाहर हो जाओगे। आप कह रहे हो कि मुझे टाइपिंग देने भी नहीं जाना, तो टाइपिंग देने या जाओ मत या फेल हो गए टाइपिंग में, तो आप उन दोनों पोस्ट से बाहर हो जाओगे, जैसे JEE और सीनियर क्लर्क से। अब बचा CCTS आपके लिए और ट्रेन मैनेजर। अब आपका होगा मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल एग्ज़ाम दोनों का अलग अलग नहीं होगा, एक ही मेडिकल होगा, हर बच्चे का एक ही मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको बुला लिया, वहाँ पूरे दिन आपकी जाँच, तरह तरह की जाँच होगी। यदि मान लीजिए आपकी कोई कमी पाई जाती है, मेनली आई साइड में या कलर ब्लाइंडनेस में कमी पाई जाती है, तो आपको CCCTS पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेन मैनेजर के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो। और अगर कोई भी कमी नहीं पाई जाती, पूरी तरह से फिट हो, A1 कैटेगरी या A2 कैटेगरी आपको मिल जाती है, तो आपको दोनों को चांस हो जाएंगे मिलने की। अब जाएगी फाइनल मेरिट। मान लीजिए फाइनल मेरिट गई 109 नंबर पर और आपके आ रहे 108 नंबर, तो आपका इन दोनों में से इसकी मेरिट रही CCTS की 109, लेकिन ट्रेन मैनेजर की गई 105, तो आपको ट्रेन मैनेजर मिल जाएगी। यदि 108 मेरिट गई है और आपके 108 नंबर है, तो आपको CCTS भी मिल जाएगी और ट्रेन मैनेजर भी। तो जो ऊपर होगी पोस्ट प्रेफरेंस में, नंबर वन पे आपने ये रखी होगी तो ये मिल जाएगी, अगर ट्रेन मैनेजर पहले नंबर पे रखी होगी तो ट्रेन मैनेजर मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ प्रोसीजर रहता है, हर बच्चे का एक ही बार मेडिकल होगा, और जो टाइपिंग वाली टेस्ट पोस्ट है या साइको वाली पोस्ट है, उनमें यदि फेल आप हो जाते हैं तो अदर पोस्ट बचती हैं, जो 3 पोस्ट हैं अदर, सॉरी 2 पोस्ट अदर हैं, CCCTS और ट्रेन मैनेजर, इनमें कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। यदि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको इन दोनों में से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी।
तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी का फुल प्रोसेस होने वाला है, जो कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, ये आप मान के चलिए 2024 में फॉर्म भर रहे हैं, तो 2026 में आपका फाइनल सिलेक्शन इस पोस्ट में होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगले साल मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में 1.5 से 2 साल सामान्यतः लगती हैं, और कोर्ट केस वगैरह हो जाता है तो 3 से 4 साल भी लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ रहने वाला है। और CBT 1 एग्ज़ाम आपका फरवरी 2025 में, उसके लगभग 5 महीने के बाद यानी कि जुलाई में आपका जाके CBT 2 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर 5 से 6 महीने के बाद टाइपिंग टेस्ट, साइको वगैरह होंगे, और उसके बाद मेडिकल होगा, 4 से 5 महीने उसमें भी लग जाते हैं। फिर फाइनल मेरिट निकलती है, पैनल निकलता है। यदि फर्स्ट पैनल फर्स्ट मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि सेकंड मेरिट भी निकलती है रेलवे में, वेटिंग लिस्ट होती है एक, उसमें भी बच्चों के फाइनल सिलेक्शन होते हैं, उनका कॉल लेटर उनके घर पर पहुंच जाता है। जय हिंद।